Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। हाल ही में नावाड ग्रेड ए और ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल 162 वैकेंसीज निकली थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप नावाड के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं नावाड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए, जो नावाड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nabard.org, तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसके होम पेज पर देखिए, आपको सबसे पहले ही बिल्कुल एक नोटिस शो हो जाएगा, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर RDBS राजभाषा इन ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इन ग्रेड ए एंड मैनेजर इन ग्रेड बी RDBS 2021। तो ये मैसेज आपको शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कैरियर नोटिस वाला जो सेक्शन है वहां पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस मैसेज के नीचे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर, इसको मैंने रेड सर्कल भी कर दिया है। तो इस क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखिए एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे यहां पर। तो आपको जिस पोस्ट लिए अप्लाई करना है, ग्रेड ए ग्रेड बी या ग्रेड ए में प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, तो उसके आप अप्लाई हियर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं आप अभी क्लिक कर रहा हूं ग्रेड ए RDBS एंड राजभाषा सर्विस पर, तो मैंने अप्लाई हियर पर क्लिक किया। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपका एक नया विंडो ओपन हो गया, नया पेज ओपन हो गया है। इसमें देखिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सबसे पहले बेसिक इन्फो आपको फिल करना होगा, अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर अगर आप कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो इंटर कीजिए और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। अगर आपका कोई अल्टरनेटिव नंबर है, चाहे वो मोबाइल हो या लैंडलाइन, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी दीजिए, उसको कंफर्म कीजिए और जो सिक्योरिटी इमेज आपको दिख रही है वो बॉक्स में इंटर कीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, ये आपके मोबाइल और ईमेल पर भी गया होगा। अब आपको क्या करना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो जो फॉर्मेट मांगा है, जो साइज मांगा है, उस फॉर्मेट और साइज में अपने फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर जो है उनको रिसाइज किया है इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए आपको क्या अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले पोस्ट का नाम लिखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिसिप्लिन अप्लाई कीजिए, क्यों अलग अलग डिसिप्लिन है, मैं जनरल स्ट्रीम में अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए अपनी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, EWS, OBC, ST, SC, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल है, क्या आप ऐसे पर्सन है जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। अगर आप ऐसे पर्सन है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी की कैटेगरी बताइए, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताइए, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगर आप ने ऊपर यस किया था तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए है, अगर चाहिए तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से सफर कर रहे हैं और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए, यस या नो में आंसर कर दीजिए। उसके बाद आपका डोमिनेंट जो राइटिंग हैंड है वो अफेक्टेड है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, यस या नो में आंसर करना है। फिर देखिए क्या आप स्क्राइब की सर्विस यूज करने के लिए एलिजिबल हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए।
फिर क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस कीजिए, वरना आप नो कीजिए। यहाँ पर डू हैव इनकम असेस सर्टिफिकेट, आपके पास आय प्रमाण पत्र है? इसका भी आपको यस या नो में आंसर देना है। फिर देखिए, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो कर दीजिए, और जितने आपका जो पीरियड रहा है एक्स सर्विस मैन के तौर पर डिफेंस में वो आप यहाँ पर बता दीजिए। आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियोट्स, इसमें आप यस या नो में आंसर कर दीजिए। अगर आप नाबार्ड के एम्प्लॉई हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई नंबर जो है वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपकी नेशनलिटी आ गया यहाँ पर। फिर देखिए, आप जिस स्टेट में अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर का सिटी सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपको मेन एग्जाम सेंटर का मेन एग्जाम का एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कीजिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए, क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, ट्विन ब्रदर या सिस्टर है? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो अपने ट्विन जो आपका ट्विन है उनका जेंडर आपको बताना है, उनका नाम बताना है। फिर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपके फादर का नाम डालना है, अपनी मदर का नाम डालना है। फिर आपको एड्रेस ऑफ करस्पोंडेंस यहाँ पर देना है, अपना हाउस नंबर डालिए, स्ट्रीट नंबर डालिए, उसका अपना जिला सेलेक्ट कीजिए, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड डालिए। फिर आपको यहाँ पर देखिए अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस पर टिक कर दीजिए, आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन की डिग्री डालिए, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने एग्रीकल्चर डाला है। फिर डेट ऑफ पासिंग डालिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालना है, और क्लास जो है वो आपको डालना है, कौन सी क्लास से आप पास हुए हैं। उसके बाद अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपने कोई पीजी डिप्लोमा किया है, या और कोई आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपका कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आप दे दीजिए। एम्प्लॉयर का नाम बताइए, अपना डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया है, अपनी ड्यूटी का नेचर बताइए, रीजन ऑफ लीविंग बताइए, और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको बताना है, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश बताया है, इसी तरह आपको बताना है कौन कौन सी लैंग्वेज आपको बोलनी पढ़नी और लिखनी आती है। फिर आपको डिटेल्स को वैलिडेट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपका जो फॉर्म है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। तो सबसे अपर सेक्शन पर देखिए, आपकी फोटो के नीचे लिख कर आ रहा होगा, आई कन्फर्म दैट दिस इज माई फोटो, तो इस पर आप टिक कर दीजिए, यानी आप कन्फर्म कर रहे हैं कि आप ही की फोटो है। उसके बाद जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन में आई एग्री पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर के नीचे देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा होगा आई कन्फर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, इस पर टिक कर दीजिए, यानी आप कन्फर्म कर रहे हैं ये आपके सिग्नेचर हैं। और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अब आपको आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, और सिक्योरिटी इमेज को बॉक्स में इंटर करना है। अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसको अपलोड कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन की जो फीस है वो शो हो रही होगी, 944 रुपीज, ये आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से रहेगी। सिक्योरिटी इमेज यहाँ पर इंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग पेमेंट के मेथड दिखेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, आप जिस भी मीडियम से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस था नाबार्ड के रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, नाबार्ड में अप्लाई कैसे करना है वो तो हमने बात कर ली है, लेकिन अप्लाई करने के साथ साथ आपको नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है नाबार्ड ग्रेड ए लाइव कोचिंग। इस लाइव कोचिंग में आपको मिलेंगे 270+ लाइव क्लासेस, 40+ टेस्ट, उसके साथ साथ 9000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 270+ पीडीएफ नोट्स आपके रिवीजन के लिए। तो अभी एनरोल कीजिए नाबार्ड ग्रेड ए लाइव कोचिंग बैच 3 में और अपनी नाबार्ड की तैयारी को बूस्ट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ तैयारी कर सकते हैं 370+ एग्जाम्स की, और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं
और अभी देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹499 में आप अवेल कर सकते हैं इस लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास को, और घर बैठे आप 370 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट के साथ। एंड जो कैंडिडेट्स मोबीक्विक यूजर हैं उनको उसमें 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था नाबार्ड में ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर जाना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।